सिंगरौली जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सोनम सिंह ने बाजी मारी। एक तरफा शानदार जीत पर कांग्रेस समर्थकों में उत्साह दिखा। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में कांग्रेस लगातार बेहतर प्रदर्शन की ओर है। आज सिंगरौली में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सोनम सिंह ने बाजी मारी है एवं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को हराकर एक तरफा बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी सोनम सिंह को कुल 10 मत मिले एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्यवती सिंह को कुल 4 मत मिले। 6 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी की बड़ी जीत हुई है, जिससे कांग्रेस नेताओं एवं कांग्रेस समर्थकों में खुशी की लहर है। जिला पंचायत सभागार के बाहर कांग्रेस समर्थकों में उत्साह का माहौल है। 26 वर्षीय युवा नेत्री सोनम सिंह कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद एवं पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय तिलक राज सिंह की पुत्री है, जो कि निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य चुनी थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के इस बड़ी जीत पर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के झूठ पर लगाम लगाया है और जनता ने एक बार फिर कांग्रेस पर विश्वास किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी और भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश होगा एवं कांग्रेस पार्टी सदैव से विकास की राजनीति करती है। वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने झूठ पर ही राजनीति करती है, जिस पर जनता ने लगाम लगा दिया है और विंध्य क्षेत्र से भाजपा का विधानसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हो जाएगा। सिंगरौली से अयोध्या तिवारी की रिपोर्ट।